हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है थ्रेड्स, जो कि प्रोसेस में यूज होते हैं. एक प्रोसेस में वन टू मैनी जो है हमारे थ्रेड्स होते हैं, जैसे कि सिंगल सिक्वेंशियल फ्लो ऑफ एक्टिविटीज बीइंग एग्जीक्यूटेड इन अ प्रोसेस. इन्हें थ्रेड्स ऑफ एग्जीक्यूशन या थ्रेड ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं. ये सारे थ्रेड्स किसी ना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस में हो रहे होते हैं. एक प्रोसेस के मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं और ये लाइटवेट टेक्निक है. अब ये लाइटवेट टेक्निक इसे क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि जो हमारे पास थ्रेड्स हैं उनका एक हर थ्रेड का अपना प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर सेट और स्टैक स्पेस है. यानी हर एक की अपनी अपनी स्टैक स्पेस है. एक प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड्स हैं, ठीक है, और हर थ्रेड का अपना स्टैक स्पेस है, लेकिन वो आपस में डाटा को शेयर कर रहे हैं विद इन अ प्रोसेस. अब डाटा को शेयर कर रहे हैं, अब ये जो है सारे सेम एड्रेस स्पेस शेयर कर रहे हैं, ठीक है, एज ए प्रोसेस, ठीक है. अब एक प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड्स हैं, अब मल्टीपल थ्रेड्स का सेम एड्रेस स्पेस है जो कि उनके प्रोसेस का थ्रेड स्पेस है, लेकिन हर एक का स्टैक स्पेस अपना अपना है. अब जो ऑपरेशन, जब हमारे पास जो इस तरह से क्या होता है कि ऑपरेशनल उनकी थ्रेड्स की कम्युनिकेशन, जो उनकी थ्रेड्स के दरमियान कम्युनिकेशन होती है, उस पर जो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है वो कम आती है, जिस वजह से जो थ्रेड है वो हमारा लाइट वेट प्रोसेस कहलाता है. अब जो थ्रेड्स है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं बिल्कुल, सिर्फ वो अपना डाटा कोड या ओएस रिसोर्सेज जो है वो आपस में शेयर करे होते हैं. अच्छा, अब यहाँ पे हमारे थ्रेड्स की कुछ जो है वो टाइप्स हैं. ये हमारा थ्रेड है, यहाँ पे एक थ्रेड में एक प्रोसेस में थ्री थ्रेड दिए हुए हैं. अगर आप जैसे कि अगर हम सबसे इजीएस्ट एग्जांपल इसकी देखें तो इजीएस एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है. वहाँ पे आप एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं. अब एट ए टाइम वो क्या कर रहा है प्रोसेसिंग, एट ए टाइम क्या कर रहा है थ्रेड क्रिएटर, एट ए टाइम आप उसको इनपुट भी दे रहे हैं, आप उस पर राइटिंग भी कर रहे हैं, और साथ साथ वो क्या कर रहा है आपकी स्पेलिंग चेकिंग भी कर रहा है, आपकी सेंटेंस करेक्शन भी बता रहा है. तो ये एक ही टाइम में मल्टीपल थ्रेड्स वहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं. ऐसे ही हमारा ब्राउज़र है. आप ब्राउज़र में आप मल्टीपल टैब्स होती हैं, मल्टीपल टैब्स को आप मल्टीपल थ्रेड्स ले सकते हैं. ब्राउज़र एक प्रोसेस है जिसके अंदर मल्टीपल थ्रेड्स यानी मल्टीपल टैब्स हैं. तो ये हमारे थ्रेड्स जो है थ्रेड्स की एग्जाम्पल हुए. अब यहाँ दो तरह के हमारे पास थ्रेड्स होते हैं, एक यूज़र लेवल थ्रेड्स है, एक कर्नल लेवल थ्रेड्स है. अब यूज़र लेवल थ्रेड्स कौन से होते हैं? यूज़र लेवल थ्रेड्स वो होते हैं जो यूज़र क्रिएट करता है. इसमें कोई भी सिस्टम कॉल यूज़ नहीं होता. यूज़र ने कोई अपनी लाइब्रेरी यानी पी थ्रेड लाइब्रेरी यूज़ होती है फॉर द फॉर क्रिएशन ऑफ थ्रेड्स. तो यूज़र ने अपने लाइब्रेरी के थ्रू क्या करना है, थ्रेड क्रिएट कर लेना है, ठीक है. अब थ्रेड स्विचिंग को ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. इससे क्या होता है, एंड टू कॉज कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना तो कर्नल की एक्टिविटीज़ को इंटरप्ट करता है थ्रेड, जो थ्रेड स्विचिंग है. यानी एक थ्रेड से दूसरे से थ्रेड में डाटा शेयर हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, डाटा आपस में थ्रेड में शेयर हो रहा है, तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम या कर्नल का कहीं पे भी कोई रोल नहीं है. ऐसे कर्नल की एक्टिविटीज इंटरप्ट नहीं होती. लेकिन कर्नल को या ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं पता होता यूजर लेवल ये के जो थ्रेड क्रिएट हुआ है वो यूजर लेवल पे हुआ है, ठीक है. और जो है अगर हमारा थ्रेड जो है वो ब्लॉक हो जाए तो क्या होता है, हमारा इंटायर प्रोसेस ब्लॉक हो जाता है. क्योंकि क्या होता है कि थ्रेड ब्लॉक कब होता है, जब वो आयो रिक्वेस्ट भेजता है, इनपुट आउटपुट वाइज रिक्वेस्ट भेजता है, तब वो हमने देखा तब वो क्या होता है ब्लॉक स्टेट में चला जाता है. तो अगर तो थ्रेड ब्लॉक हो जाता है, यूजर जो एग्जीक्यूट कर रहा है यूजर लेवल ऑपरेशन पे, थ्रेड ब्लॉक हो जाता है, हमारा जो एंटायर प्रोसेस है वो ब्लॉक हो जाता है. क्यों हो जाता है? इससे क्या होता है, डाटा आपस में शेयर हो रहा होता है. अब क्योंकि कर्नल को तो पता ही नहीं है कि जो है यूज़र ने कोई थ्रेड क्रिएट किया है. अब वो जब कर्नल को पता ही नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम को पता ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि यूज़र लेवल थ्रेड कोई क्रिएट हुआ है, एंड वो इससे वो जो है वो उसको उस तरह से मैनेज करता है कि जैसे वो एक सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस है.
अब सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस के तौर पे वो जो है वो मैनेज कर रहा है कर्नल, क्योंकि उसे नहीं पता वो यूजर लेवल पे है, वो एक प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड्स हैं, उसने ऐसे एज ए सिंगल थ्रेड देखना है। तो वो क्या करता है, वो उसे उसे लग रहा है कि अब यहाँ पे ये थ्रेड जो है वो ब्लॉक स्टेट में चला गया, तो वो क्या करता है, वो थ्रेड जिस प्रोसेस में क्रिएट हो जाता है उस प्रोसेस को भी ब्लॉक कर देता है, क्योंकि कर्नल को पता ही नहीं कि वो यूजर लेवल पे क्रिएट हुआ थ्रेड है, वो सिर्फ एक सिंगल थ्रेड देखता है, हालांकि वो होता है मल्टीपल थ्रेड्स एक प्रोसेस में क्रिएट हो रहे होते हैं। तो एक थ्रेड के ब्लॉक होने से बाकी थ्रेड भी ब्लॉक हो जाते हैं, इससे क्या हो जाता है, एंटायर प्रोसेस ब्लॉक हो जाता है। अब यहाँ पे इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये इम्प्लीमेंट करना आसान है, ठीक है, और क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूज़ नहीं हो रहा और इसलिए हमें इससे इम्प्लीमेंटेशन आसान होते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट होता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कम टाइम लेती है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कैसे काम, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब है एक प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड्स हैं, यानी एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड में जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है वो आपस में डाटा शेयर कर रहे थे, वो ईजी होती है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पर काम नहीं हो रहा होता, तो वो ज़्यादा ईजी होती है, ज़्यादा कम टाइम लेती है। अब इसको किसी भी चेंज डज नॉट नेसेसिटेट एनी चेंज टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि अब उसने जब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करनी है तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी तरह का चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, इस वजह से क्या होता है वो कम टाइम लेती है कर्नल थ्रेड से। अच्छा, रिलेटिव स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्रेजेंटेशन होती है इसकी। एड्रेस स्पेस जो है, एड्रेस स्पेस में क्या क्या होता है, रजिस्टर, स्टैक, पीसी, मिनी थ्रेड कंट्रोल बॉक्स होते हैं, ठीक है। यूजर लेवल जो प्रोसेस है उसकी एड्रेस स्पेस में नब रजिस्टर है, स्टैक है, प्रोग्राम कंट्रोल है, मिनी थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक्स हैं, और थ्रेड में भी इजीली क्रिएटेड, स्विच्ड एंड सिंक्रोनाइज्ड विद आउट द नीड फॉर द प्रोसेस इंटरेक्शन, उन्हें प्रोसेस को इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं होती, वो आपस में एक दूसरे के साथ वो इजीली क्रिएट भी हो जाते हैं, स्विच भी कर लेते हैं, डाटा शेयरिंग भी कर लेते हैं, सिंक्रोनाइजेशन भी क्रिएट कर लेते हैं आपस में, ठीक है। एक थ्रेड में मल्टीपल जो प्रोसेस, एक प्रोसेस में जो मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट हुए होते हैं। अच्छा, अब इसके लिमिटेशंस क्या हैं कि नो लेस कोऑर्डिनेशन अमंग द थ्रेड्स एंड द कर्नल। अब ऑब्वियसली जो है, अब जो थ्रेड्स हैं वो यूजर लेवल पे क्रिएट हो रहे हैं, तो उनका कर्नल से कोई लिंक ही नहीं है, तो कर्नल के साथ उनकी कोई कोऑर्डिनेशन होगी ही नहीं। अच्छा, अगर एक थ्रेड पेज फॉल्ट में चला जाता है, तो आप अभी ये बात एक्सप्लेन की थी, क्योंकि हमारे पास एक प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड हैं, अगर एक थ्रेड जो है वो पेज फॉल्ट पे चला गया है, तो उसे पेज फॉल्ट कॉजेस ऑफ पेज फॉल्ट क्रिएट का कॉज कर दिया है, तो इससे एंटायर प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि जब कर्नल है जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसने उसे एज सिंगल थ्रेड देखना है, उसने देखना है कि इस ये थ्रेड ऑब्वियसली कहीं ना कहीं प्रोसेस में क्रिएट हुआ है, उसने क्या करना है, सारे के सारे प्रोसेस को भी ब्लॉक कर देना है, क्योंकि वो उसका वो थ्रेड ब्लॉक में चला गया, उसको ये नहीं पता कि जो है इस प्रोसेस के अंदर और भी थ्रेड्स क्रिएट हुए हैं। अच्छा, कर्नल लेवल थ्रेड क्या है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिकॉग्नाइज बाय द कर्नल थ्रेड, ठीक है। आप ऑपरेटिंग जो कर्नल थ्रेड्स हैं, जो कर्नल है वो मैनेज करता है इन थ्रेड्स को, ठीक है। कर्नल एक इंटेग्रल पार्ट है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का, और कर्नल इन थ्रेड्स को मैनेज करता है। और ये कब कैसे क्रिएट होते हैं, इनको क्रिएट करने के लिए सिस्टम कॉल्स की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, आप इंस्टेड ऑफ थ्रेड टेबल इन ईच प्रोसेस द कर्नल इटसेल्फ हैज अ थ्रेड टेबल, हर प्रोसेस में थ्रेड टेबल की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कर्नल के पास अपना एक थ्रेड टेबल होता है जो मास्टर वन होता है, जिसमें तो सारे थ्रेड्स जो सिस्टम में जितने भी थ्रेड्स क्रिएट हुए हैं कर्नल लेवल पे, उन सब का जो ट्रैक रिकॉर्ड उसमें सेव होता है। अच्छा, इन एडिशन कर्नल आल्सो मेड ट्रेडिशनल प्रोसेस टेबल टू कीप ट्रैक ऑफ द प्रोसेसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल प्रोवाइड सिस्टम कॉल टू क्रिएट एंड मैनेज थ्रेड्स। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कर्नल है उसको थ्रेड्स को क्रिएट या मैनेज करने के लिए सिस्टम कॉल्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। विदाउट सिस्टम कॉल वो कर्नल हमें वहाँ पे जब यूजर लेवल पे थ्रेड क्रिएट होते हैं, तब हमें ऐसे कोई सिस्टम कॉल की जरूरत नहीं पड़ती, हम बस लाइब्रेरी लिखते हैं और अपना थ्रेड क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सिस्टम कॉल्स की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, अब इनके एडवांटेजेस क्या हैं,
के हर थ्रेड्स को पता होता है, यहाँ पे थ्रेड्स को पता है कि कर्नल लेवल पे कुछ थ्रेड क्रिएट हुए हुए हैं, ठीक है। स्केड्यूलर ने डिसाइड करना है कि एक्स्ट्रा कि मे डिसाइड टू डिवोट एक्स्ट्रा सीपीयू टाइम टू थ्रेड्स विद लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यूज। फिर अब उसे पता है थ्रेड्स क्रिएट हुए हुए हैं कर्नल लेवल पे, तो उसने उसकी उन न्यूमेरिकल वैल्यूज की बेस पे उसको सीपीयू टाइम सीपीयू टाइम दे देना है। स्केड्यूलर जो हमारे यूज होते हैं हमारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट जो प्रोसेस की एग्जीक्यूशन में उनको स्केड्यूल करने के लिए कब कौन सा सिस्टम प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि अभी कर्नल लेवल पे थ्रेड जो है वो क्रिएट हुए हुए हैं तो वो उनको टाइम दे एक्स्ट्रा टाइम देगा अगर किसी की न्यूमेरिकल वैल्यूज ज़्यादा हैं। अच्छा, एप्लीकेशन दैट हैपेंस टू ब्लॉक द फ्रीक्वेंसी शुड यूज द कर्नल। अच्छा, जो मोस्टली एप्लीकेशन जो हैं ब्लॉक हो जाती हैं अक्सर, तो वो क्या कर वो उन्हें चाहिए कि वो कर्नल लेवल थ्रेड यूज़ करें, क्योंकि हमारा जो यूज़र लेवल थ्रेड्स हैं वो तो अगर एक थ्रेड ब्लॉक हो जाए तो वो पूरा का पूरा जो है प्रोसेस जो है हमारा ब्लॉक हो जाता है। अच्छा, ये जो है अगर हम देखें, अच्छा एप्लीकेशन जो ज़्यादा, अच्छा हमारी फॉर एग्जांपल हमारा जो वेब सर्वर है उसको चाहिए कि वो उसमें कर्नल लेवल थ्रेड हो, उससे क्या होगा कि उसमें वेब सर्वर में मल्टीपल जो है थ्रेड एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, तो इस तरह इससे होगा कि अगर एक थ्रेड ब्लॉक भी हो जाए तो दूसरा थ्रेड की वजह जो है वो प्रोसेस हमारा चलता रहे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट इसकी लिमिटेशंस क्या है कि हाँ सारे के सारे थ्रेड जो है वो कर्नल थ्रेड मैनेजर स्केड्यूल करता है, ठीक है। अब कर्नल पे ज़्यादा वो जो है कहते एक बर्डन आ जाता है कि वो सारे थ्रेड्स को मैनेज और स्केड्यूल कर रहा है, उसको मल्टीपल थ्रेड्स को स्केड्यूल मैनेज करना पड़ रहा है, तो उस पर एक बर्डन सा आ जाता है, लोड ज़्यादा हो जाता है। इस तरह से कर्नल थ्रेड्स हैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं बिल्ड करना देन द यूज़र थ्रेड्स। कर्नल थ्रेड्स स्लोअर होते हैं, ऑब्वियसली इन्हें कर्नल हैंडल कर रहा है, कर्नल ने उसको हैंडल करना है, मैनेज करना है, स्केड्यूल करना है, तो इससे ये रिलेटिवली यूजर लेवल थ्रेड से स्लो होते हैं। इसकी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम भी ज़्यादा होता है। अब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग वहाँ पे यूज़र लेवल पे हो रही है, वो सेम एड्रेस स्पेस यूज़ कर रहे हैं जो है, अब उनकी यहाँ पे भी सेम एड्रेस पे, लेकिन कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग यहाँ पे थोड़ी डिफिकल्ट होती है क्योंकि यहाँ पे सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पे हो रहा है, कर्नल ने सारे के सारे थ्रेड्स को मैनेज करना होता है, तो जो है उसने देखना होता है कौन सा डाटा कब कहाँ पे शेयर होगा। अच्छा जो है यहाँ पे अगर हम थ्रेड्स को देखें, ये यूजर लेवल थ्रेड्स हैं जो कि यूजर स्पेस में है, नीचे कर्नल लेवल थ्रेड्स हैं जो कर्नल लेवल कर्नल स्पेस में है, और ये हमारा प्रोसेस है। अब इनका डिफरेंस क्या है, इनका डिफरेंस एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। यहाँ पे यूजर थ्रेड्स इंप्लीमेंटेड बाय द यूजर्स, ये यूजर्स इंप्लीमेंट करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे ऑपरेटिंग यूजर लेवल थ्रेड्स का ऑपरेटिंग सिस्टम को बिल्कुल पता नहीं होता कि यूजर लेवल थ्रेड्स क्रिएट हुए हुए हैं, लेकिन कर्नल लेवल थ्रेड्स को कर्नल लेवल थ्रेड्स का पता होता है कि कर्नल लेवल थ्रेड्स हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होता है। यूजर लेवल थ्रेड्स इंप्लीमेंट करना इजी है, लेकिन कर्नल लेवल थ्रेड्स को इंप्लीमेंट करना कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए हमें सिस्टम कॉल्स है वो करने सिस्टम कॉल्स यूज़ करने पड़ती हैं इनको इंप्लीमेंट करने के लिए। कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम इसमें कम है, उसमें कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम ज़्यादा है। अब कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम को कोई भी हार्डवेयर सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे कर्नल लेवल थ्रेड पे उसको हार्डवेयर की ज़रूरत है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या है कि जिसमें हम एक थ्रेड की स्टेट को स्टोर कर लेते हैं ताकि वो बाद में रिस्टोर हो सके कि उसे उसकी एग्जीक्यूशन अगर कंप्लीट नहीं है तो उसके एग्जीक्यूट किया जा सके दोबारा, ठीक है। अब क्या करना है, सीपीयू ने एक टास्क से दूसरे टास्क में जो है वो चेंज होना है जो हमारा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में। अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कम टाइम कम होता है, उसमें ज़्यादा होता है। यहाँ पे मैंने आपको ये बात पहले भी एक्सप्लेन कर दी है, यूज़र लेवल थ्रेड में अगर एक थ्रेड ब्लॉक हो जाए सारा इंटायर प्रोसेस ब्लॉक हो जाता है, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता, वहाँ पे प्रोसेस कंटिन्यू रहता है क्योंकि थ्रेड को करने को पता है कौन कौन सा थ्रेड क्रिएट हुआ है। तो ये था यूज़र लेवल कर्नल।